हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्लास 8th का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 1। तो इससे पहले भी इस एक्सरसाइज का एक वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, ठीक। हमें इसे सोल्व करना है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है ऐसी जो कि रखने पर, इसमें रखने पर जो है सेवन आ जाए, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें तो इक्वल आर एच एस में जो दे रखा है सेवन, वो आ जाए हमारा एल एच एस की साइड भी, ठीक है। तो इसको हम छोटा सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा माइंड लगा के ऐसे भी देखें, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर नाइन है, नाइन माइनस टू कर देता हूँ तो सेवन आ जाएगा, ठीक है, आ तो जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करना है हमें, दिखाना है कैसे आता है। इसको करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, आज फिर वही दोनों तरीके एक बार बता दूंगा, आप रिमाइंड हो जाएगा आपको। देखिए फर्स्ट क्या है कि मैं यहाँ पर जो है एक्स माइनस टू, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूँ कि एक्स जो है अकेला हो जाए, सिंगल हो जाए, टू इससे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये माइनस का है तो मैं यहाँ पर प्लस का टू करूँगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक प्लस का टू है तो दोबारा क्या, दूसरा क्या आएगा, माइनस का आएगा, तभी तो ये जीरो होगा, मेरा काम है यहाँ पर जीरो करना, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक्स माइनस टू जो दे रखा था मैं प्लस टू करूँगा, और आपको पता ही ये है कि अगर एक साइड हम प्लस करते हैं इक्वल के साइन के साइड, एक साइड अगर प्लस करता हूँ तो दूसरे साइड भी हमें प्लस ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी प्लस करूँगा टू। अब जब मैं यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, ये तो जीरो हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू क्या बचा, नाइन आया, तो यही हमारा इक्वेशन हुआ। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरीके को हम ज़्यादा यूज करेंगे इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि आपको बताया था कि हम इसकी क्या है, इसकी साइड चेंज कर देंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, एक साइड से दूसरी साइड हम इसको भेज देंगे, ठीक है। अब आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस है तो अगर ट्रांसपोज करता हूँ, साइड बदलता हूँ, तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सेवन, और ये क्या है माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, नाइन आएगा। तो देयर फोर क्या हुआ, मतलब कि अगर मैं इसे नाइन रखता हूँ तो ये आर एच एस के इक्वल आ जाएगा। हम इसको लिखते कैसे हैं कि देयर फोर एक्स इक्वल टू नाइन इज सोल्यूशन ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, ठीक। अब मैं जैसे इसे प्रूव करना है जैसे, तो हम क्या करेंगे, हम एल एच एस लिखते हैं, जैसे अगर बोल दिया जाए कि इसको हमें प्रूव करके भी दिखाना है, कि चेक करके दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो क्या मतलब हुआ, या हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन है या नहीं, या ये भी बोल सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, ये भी बोल सकते हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू आती है हमारी, उसको इक्वेशन में पुट करना होता है उसकी एल एच एस साइड में। अगर आर एच एस साइड में भी अगर वही आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर जो आया हमारा सही है, या हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने प्रूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या था, एक्स माइनस टू इक्वल टू, एक्स माइनस टू था मेरा एल एच एस, मैं क्या करूँगा, पुट एक्स इक्वल टू नाइन, ठीक है। जब मैंने नाइन माइनस टू किया तो क्या आया, सेवन ही तो आया, ये इक्वल टू आर एच एस आया है, ठीक है, आर एच एस भी तो सेवन ही है, ठीक है। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू जो नाइन आया है, इस वैल्यू का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप इसको पेन डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आज थोड़ा हम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर हम थोड़ा मुश्किल सवाल भी सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई प्लस थ्री इक्वल टू टेन। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर जो है माइनस साइन था, अब की बार यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर साइड वही चेंज करनी है हमने। तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू क्या आएगा, टेन माइनस का थ्री आएगा। तो y इक्वल टू क्या है, टेन माइनस थ्री क्या होता है, सेवन होता है। तो y इक्वल टू क्या आया, सेवन आया। तो हम लिखेंगे हैंस y इक्वल टू सेवन इज सोल्यूशन ऑफ y प्लस थ्री इक्वल टू टेन, ठीक। इस इक्वेशन जो हमें दे रखी थी, जो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू सेवन, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए थर्ड, सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि जेड तो इस साइड यहाँ पर लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, ये
अभी जो हमने जो दो क्वेश्चन किए इस साइड था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था जैसे पेन चाहे यहाँ पर ऐसे रख दो चाहे पेन ऐसे रख दो, बात तो वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हमारा काम है सिक्स, इसको अकेला करना, जेड को अकेला करना। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, जेड प्लस टू इक्वल टू सिक्स, ये दोनों इक्वेशन एक ही बात है। इसको पलट चाहे, मैंने वही बताया ऐसे रखा एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रख दिया। आप कन्फ्यूज मत होना, लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको जैसे है वैसे ही लिख दो। कैसे, सिक्स ये जो टू था इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, माइनस टू इक्वल टू जेड, ठीक। अब क्या है, सिक्स माइनस टू क्या होता है, फोर होता है, फोर इक्वल टू जेड, या फिर जेड इक्वल टू फोर हम ये भी बोल सकते हैं, जेड इक्वल टू फोर, वही बात है, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, वही सेम बार बार आपको वही लिखना है, देयर फोर जेड इक्वल टू फोर इज सॉल्यूशन ऑफ सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू। हम जो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे हैं, इक्वेशन हम ऐसे सोल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशन होंगी और वन वेरिएबल होगा, मतलब सिर्फ या तो एक्स होगा या वाई या जेड या ए बी सी जो भी होता है वेरिएबल, कोई एक ही रहेगा उनमें से। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फोर। फोर क्वेश्चन क्या है, थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इक्वल सेवन तीन अपॉन सेवन, ये इस बार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका काम क्या है सिर्फ एक्स को अकेला करना, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं, अब यहाँ पर एक्स है, मैं इसको जो है इस साइड भेज दूंगा, ठीक है, काम वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू, अब आप देखिए 17/7 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3/7, ठीक। एक्स इक्वल टू, अब आप जो ये है फ्रैक्शन, इसको आप सोल्व करना सीख चुके हैं, सिक्स क्लास में भी सीखे हैं, सेवन्थ क्लास में सीखे हैं, और अब 8th क्लास आ गया, तो आई होप आप अच्छे से समझते होंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, जब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है वो वाली कंडीशन है, जब दोनों जगह सेम होता है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला भी सेम ही करते हैं, ठीक है, जो ऊपर होता है वो भी सेम ही लिखा जाता है। तो देखते हैं, 7/7 है तो ऊपर क्या होगा, वही होगा 17-3 होगा, लेकिन यह आता कैसे है, आता ऐसे है कि ये जो यहाँ पर नंबर्स होते हैं इनका जो है एलसीएम लिया जाता है, तो दोनों जो 7 है तो 7 तो एलसीएम ही आएगा। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर नंबर आता है, ठीक है, एलसीएम, उसको डिवाइड करते हैं यहाँ वाले नंबर से, तो अब 7/7 को डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो 1 आता है इसको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। 17/1 माइनस, यहाँ पर भी 7 है, ऊपर वाला भी सेम आएगा और वही 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम इसी की तरह डिवाइड करेंगे, 3/1, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या आया, 17-1 क्या होता है, 17-3 1 जा 3 होता है, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, 7 आएगा। अब आप आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे क्या है, एक्स इक्वल टू 17-3 क्या होगा, 14 होता है, 14/7 लिखा हुआ है, ठीक। अब आप और थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो होता है 7 इसको डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो कोई बात नहीं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो 7/2 जा क्या होता है, 14 होता है। अब आप सोच रहे होंगे 7/1 जा 7, 7/2 जा 14, तो डिवाइड करोगे तो 2/1 आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 2/1 है या फिर 3/1 है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहे 2 लिखो या चाहे 3 लिखो, ठीक। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आप इसको पेन डाउन कर लीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इसका क्वेश्चन रहेगा 6x=12, ठीक। अब अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें या तो एडिशन हो रहा था या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वेरिएबल जो एक्स है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। अभी तक जो हमने किया था वो सिंगल था, उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं था, तो वो बड़ी आसानी से आप कर रहे होंगे, ये भी आसानी से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें भी से भी, बस छोटा सा कंसेप्ट हमें क्लियर करना है
कि जो मल्टीप्लाई में रहता है वो चला जाता है डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर चाहे वन लगा के कर सकते हो, चाहे बिना वन लगाए भी कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे होगा ये क्वेश्चन। अभी मैंने बताया आपको 6x = 12 हमारे पास जो है इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। मैंने कहा कि जो यहाँ पर जो है, या तो मैं बोलूँ कि इसको मैं सेम वही करना है, जैसे मैंने कहा था वहाँ पर पहले एक इक्वेशन कराई थी, फर्स्ट इक्वेशन ये, कि उसमें मैंने कहा था तो आप चाहे तो LHS और RHS दोनों साइड सेम प्लस करो या सेम माइनस करो। यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई में है तो सेम या तो डिवाइड करो या फिर इसको यहाँ पर डिवाइड में भेज दो, बात वही होती है। देखिए दोनों तरीके से कराता हूँ मैं, क्या करूँगा, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 6x/6 = 12/6 आया, ठीक है। इस 6 से तो ये 6 कट कैंसिल हो जाएगा तो x = क्या आया, 6 2 जा 12, तो क्या आया, 2 आया। तो फ्रेंड्स ये 2 आया जो कि सॉल्यूशन है इसका, ठीक। ये तो एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए दूसरा मेथड होता है कि 6x = 12 जो है, ठीक है, मैंने क्या कहा, 6x = जो 12 है जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चलाता है, किया वही हूँ, बस थोड़ा सा हेर फेर है। x = क्या होगा, 12/6, मैंने कहा जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चलाता है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कैसे होता है, होता यही है, प्रोसेस यही है देखिए, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो 6 भेज दिया हूँ, देखिए यहाँ पर क्लियर हो, कैंसिल हो गया, तो x = क्या आया, 6 2 जा 12 होता है तो 2 आया गया, ठीक है। तो सेम वही लिखेंगे, हैंस x = इज सॉल्यूशन ऑफ 6x = 12, लिखना वही है सेम, ठीक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसको आप जो है पेन डाउन कर लीजिए, नोटबुक कर लीजिए, नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। नोटबुक में कॉपी करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करें थोड़ी देर के लिए और फिर उसको कॉपी कर लिया करें। वैसे भी अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा t/5 = 10। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये NCERT बुक है 8th क्लास की, आपको पता है मैं NCERT बुक फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आजकल सभी स्कूलों में यही लगती है और NCERT बुक भी अच्छी होती है पढ़ने में। तो क्वेश्चन है t/5 = 10। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मल्टी डिवाइड में आ गया है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था 6x = 12, ये जो था 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ पर जो है इस वेरिएबल के साथ जो है डिवाइड में आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, करने के लिए सेम वही दो तरीके होते हैं। यहाँ पर अब की बार क्या है, अभी वहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में था हमने डिवाइड किया था, अब यहाँ पर जो है ये मल्टी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दो, सेम उसका अपोजिट कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं दोनों तरीके से आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो मैंने क्या कहा कि सेम मल्टीप्लाई 5 बाय बोथ साइड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, 10 into 5, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 5 से ये वाला 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, t = 10 into 5 आया 50, ठीक। ये आता है ऐसे, जो कंसेप्ट है जो मेथड है यही, लेकिन और कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास t/5 = 10 है, ठीक। मैंने क्या कहा कि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब t को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, t into 1, तो क्या आएगा, t ही आएगा, आपको पता ही होगा, x into 1 x या b into 1, तो b ही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 into 10 या 10 into 5 भी हम बोल सकते हैं, बात वही है, चाहे a into b बोलो या b into a बोलो, ठीक है। तो ये क्या आया, t = क्या आया, 50 आया। तो सेम वही लिखना है, देयरफॉर t = 50 इज सॉल्यूशन ऑफ t/5 = 10। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के थे, चैप्टर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने 2-4 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए हमारा लिंक, ताकि हमारा थोड़ा परिवार बड़ा हो सके और
हमें प्रोत्साहन मिलता है जब हमारा परिवार थोड़ा बढ़ता है तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।